हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया गया और इस मामले का खुलासा आज अजमेर एसपी ने किया है। उन्होंने बताया है कि अजमेर के इतिहास में पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की तस्करी करते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अजमेर की मांगली आवास थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और सरदना चौकी के नजदीक नाकाबंदी कर नॉर्थ ईस्ट की ओर से आ रहे एक ट्रक को रुकवाया। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसके चेचिस में त्रिपाल के नीचे एक अफीम मिली। यह अफीम मिली है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त की गई 50 किलो 258 ग्राम अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इस तस्करी में शामिल जोधपुर खिड़ापा निवासी ब्रजेश विश्नोई और उसके साथी ओसिया निवासी शैतान राम को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर पुलिस को अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50 किलो अफीम के साथ दो आरोपी गिरफ्तार किए। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। गए हैं ये दोनों आरोपी, कहां से यह तस्करी कर रहे थे और इनका उद्देश्य क्या है, इसे लेकर अजमेर एसपी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी मात्रा में अफीम पकड़ी है, यहां कहें कि अजमेर इतिहास में ये पहली बार होगा। कल जो मांगली आवास SHO सुनील टाडा है उसको मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्हीकल है जिसके अंदर भारी मात्रा में अफीम हो सकती है। उसके आधार पर सरदना चौकी के वहां नाकाबंदी करके और जब तलाशी ली गई तो ट्रक के अंदर 50 किलो अफीम है वो बरामद हुई और विजेश और शैतानाराम नाम के दो व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार किया गया जो जोधपुर के रहने वाले हैं। प्राइमा फेसी ये जो है वो दूसरे स्टेट से जो अफीम है वो लाना सामने आ रहा है और ये जोधपुर ले जा रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर अफीम बरामद हुई है तो हमारी जो पूरी टीम है वो लगी हुई है और विस्तृत रूप से अनुसंधान किया जा रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल है, क्योंकि ये सिर्फ दो व्यक्तियों का कार्य नहीं हो सकता है। और हम जल्दी ही जो सप्लाई देने वाले हैं और जहां आगे सप्लाई दी जा रही थी उन सबको गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। माध्यम क्या था सर इनका दोनों का और कैसे ये यहां से यहां तक लेके आ गए? ये ट्रक के अंदर जो ऊपर केबिन बना हुआ होता है टूल बॉक्स, उसके अंदर जो त्रिपाल है और जो रस्से हैं उनके बीच में डाल करके ये ला रहे थे और खाली ट्रक था। अमूमन जो खाली ट्रक होता है तो वो नाकाबंदी के अंदर लगभग रुकवाया नहीं जाता है, तो इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये था कि खाली ट्रक होगा तो कोई रुकवाएगा नहीं, कोई चेक नहीं करेगा और हम इजीली यहाँ से निकल जाएंगे। क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में अफीम पहले कभी बरामद हुई है राजस्थान में अजमेर में? मेरा अभी तक की जो जानकारी है अजमेर पुलिस के द्वारा पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और ये अजमेर पुलिस के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो हमारी पुलिस की पहली प्राथमिकता है संगठित अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई, उसमें अजमेर पुलिस है वो कार्रवाई करने में सफल रही है और इससे हम जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने के लिए इस रूट का यूज किया है उनके ऊपर भी लगाम लगाने में सफल रहेंगे। जी, तो ये थे अजमेर SP जिन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थ को लेकर अजमेर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी तरह से कार्रवाई को अंजाम देती रहेगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, जी मीडिया अजमेर। तो सहयोगी अशोक ने SP साहब से बातचीत की और कहा गया इस मामले में अनुसंधान लगातार जारी है, क्योंकि अशोक मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद भी है। अशोक, आपने बातचीत की, कहा जा रहा है कि अनुसंधान लगातार जारी है, जोधपुर ये अफीम लेकर जाई जा रही थी, लेकिन लाई कहां से जा रही थी ये पता चल पाया है? और जैसे कि अभी SP साहब कह रहे थे कि दो व्यक्ति का काम तो हो नहीं सकता है, कोई और भी शामिल है इसमें, तो उनका पता लग पाया अभी? जी बिल्कुल, ये ट्रक में छिपाकर अफीम जो है नॉर्थ ईस्ट से लाई जानी बताई जा रही है और दोनों आरोपियों से इस मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि अजमेर के इतिहास में अब तक इतनी बड़ी संख्या में अफीम कभी भी जो है जब्त नहीं की गई है। यहाँ तक कि राजस्थान में भी बताया जा रहा है कि इस तरह के मामले कुछ एक ही होंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में अगर अफीम इस रूप से लाई जाती है तो सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से अजमेर तक ये अफीम पहुंच गई और अफीम अजमेर से जो है जोधपुर
बिल्कुल क्लोज जानी थी। तो अजमेर पुलिस की सतर्कता से इस बड़ी जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इसमें मांगलियावास थाना प्रभारी सुनील टाडा के साथ ही जो स्पेशल टीम के जो कुछ कांस्टेबल है उन्होंने भी इसमें अपनी भागीदारी निभाई थी। लेकिन इस मामले में जो है अजमेर एसपी का कहना है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच जो होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है जिससे लोगों को नशे में लिप्त इससे माध्यम से किया जा रहा है और किस तरह से ये अफीम जो है लोगों को खराब कर रही है। तो इस मामले में और भी जो गैंग है वो सक्रिय हो सकती है, क्योंकि जोधपुर में बड़ी मात्रा में जो है अफीम की और अन्य मादक पदार्थ की तस्करी देखने को मिलती है और कई गैंग इसमें सक्रिय होती है। जो गैंग है वो लगातार जो है मादक पदार्थ की तस्करी में आपने देखा होगा शूटआउट जैसे मामले भी इसमें सामने आते हैं। तो इस मामले में गहनता से पड़ताल जो है अजमेर पुलिस की ओर से की जा रही है। साथ में यह भी मांग जो है की जा रही है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, 50 किलो अगर अफीम मिलती है तो ये एक बड़ा मामला अजमेर के लिए भी है और राजस्थान पुलिस के लिए भी है। जी बिल्कुल, बड़ा मामला और चुनौती भी है कहीं ना कहीं ये पता लगाना कि आखिर और कौन कौन इस पूरे मामले में लिप्त हैं। और क्योंकि दो की तो गिरफ्तारी कर ली गई है और इनसे पूछताछ लगातार अब टीम की जा रही है। शुक्रिया आपका अशोक। आगे बढ़ेंगे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।